महाराष्ट्र के ठाणे में 7 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत ने हर किसी को झंझोर कर रख दिया है। मासूम की मौत के बाद माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चा बारिश में घर की छत पर साइकिल चला रहा था, अचानक उसकी साइकिल फिसली और वो छत से नीचे गिर गया और खाड़ी के बहते पानी में बह गया। काफी समय तक तो परिवार में किसी को मालूम ही नहीं चला कि मासूम के साथ ऐसी घटना हो गई है। कुछ देर बाद परिजनों ने देखा कि छत पर खेल रहा बच्चा गायब है। फिर उसे काफी ढूंढने की कोशिश की गई लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल सका। फिर ऐसी आशंका जताई गई कि कहीं पानी में तो नहीं गिर गया। फिर उसे ढूंढना शुरू किया गया। देर शाम घर से करीब 10 किलोमीटर दूर उसका शव विटावा के खाड़ी के किनारे मिला। 4 दिन से बच्चे को ढूंढा जा रहा था। इस मामले पर स्थानीय लोगों का कहना है कि थाने के कोपरी खाड़े के किनारे मासूम बच्चा अपने परिवार के साथ रहता था। 4 दिन पहले दिन में काफी तेज बारिश हुई थी। बच्चा छत पर साइकिल चला रहा था, अचानक बहते पानी में गिर गया और लापता हो गया। इस दर्दनाक घटना ने हर किसी को हैरान कर रखा था। मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। क्या आपको कोई भी समस्या है, आपराधिक समस्या, राजनीतिक समस्या, सरकारी अत्याचार जैसी कोई समस्या, या आपका कहीं पैसा फंसा है? अगर आपके पास ऐसी कोई भी समस्या है तो हम आपको एक सोशल वर्कर ग्रुप के बारे में बता रहे हैं जो आपकी ऐसी परेशानियों को दूर करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, हम आपको इसी चीज के बारे में बता रहे हैं। आइए इसके बारे में और जानते हैं। न्यायिक समस्या सभी आपराधिक, राजनीतिक, कानूनी तथा सरकारी अत्याचार और अन्यायिक समस्या की तकरार करें, आपकी फंसी रकम वापस मिलेगी। ऑल डिस्प्यूट्स ऑल केसेस। कॉन्टैक्ट नंबर 2888822888287038887038703। ईमेल आईडी badebhaiindia@gmail.com। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा इसके समाचार यहीं पे खत्म होते हैं। आपसे मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक ले सदैव सुरक्षित रहिए। हिंद।